सुप्रभात बच्चों, रिमझिम इस हिंदी पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत आज हम कविता 13 जिसका नाम है सूरज जल्दी आना जी। तो आइए बच्चों, आज हम इस कविता का पठन करते हैं। इस कविता में कवि जो है वो सूरज से कहना चाहते हैं कि तुम्हें जल्दी आकर हमें सूरज की किरणें जो है वो हमें देना है। तो यहाँ पर जो कवि है जिनका नाम है रमेश तैलम, वह बच्चों के माध्यम से सूरज को जल्दी आने के लिए कह रहे हैं। एक कटोरी भरकर गोरी धूप हमें भी लाना जी, सूरज जल्दी आना जी। जमकर बैठा यहाँ कुहासा आर पार न दिखता है, ऐसे भी क्या कभी किसी के घर में कोई टिकता है। सच सच जरा बताना जी, सूरज जल्दी आना जी। मतलब यहाँ पर कवि जो है वो बच्चों के माध्यम से सूरज से कहना चाहते हैं कि सूरज भाई तुम जल्दी आ जाओ और हमें कटोरी भर गोरी गोरी धूप ले दे दो, क्योंकि हमें धूप चाहिए है। सभी जगह इस धरती पर सभी जगह कुहासा छाया हुआ है। कुहासा मतलब कि कोहरा छाया हुआ है, सभी जगह हमें कोहरा ही कोहरा नजर आ रहा है, हमें कहीं पर भी धूप नहीं दिखाई दे रही है। क्या ऐसा भी किसी के घर में कोई ठहरता है, मतलब कि ये जो कोहरा है ये बहुत दिनों से इस धरती पर है, यह कोहरा जो है वह जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो सूरज तुम जल्दी से धूप लेकर आ जाओ। आगे कवि क्या कहते हैं, कल की बारिश में जो भीगे कपड़े अब तक गीले हैं, क्या दीवारें क्या दरवाजे सबके सब ही सीले हैं। छोड़ो आज बहाना जी, नाना 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 जी, सूरज जल्दी आना जी। कवि इन बच्चों के माध्यम से सूरज से कहना चाहते हैं कि कल जो बारिश हुई थी, मतलब पिछली बार जो बारिश हुई थी, बारिश का मतलब वर्षा, जब वर्षा हुई थी उस वर्षा में उस बारिश में जो हमारे कपड़े गीले थे, तभी जो हमारे कपड़े गीले थे अभी तक हमारे वह कपड़े गीले के गीले ही है। मतलब धूप ही नहीं है तो हमारे कपड़े कहाँ से सूखेंगे। हमारे घर की जो दीवारें हैं, हमारे घर के जो दरवाजे हैं, वह अब तक सीले के सीले ही है। सीले मतलब गीले ही है, धूप ही नहीं है तो हमारे कपड़े, हमारी दीवारें, हमारे दरवाजे ये सारे सूखेंगे कैसे, ये गीले के गीले ही रहेंगे। तो बच्चे सूरज से कह रहे हैं कि अब बहाना छोड़ो, नाना नाना मत करो और जल्दी से तुम आ जाओ और इस धरती पर अपनी धूप दिखाओ, जिसके कारण हम सूख जाए और हम इस बारिश से दूर जाकर हमें धूप में रहना है, हमें धूप पसंद है। तो सूरज तुम जल्दी से आकर इस धरती को धूप देकर जाओ। तो इस तरीके से इस कविता में जो कवि है वह सूरज से धूप देने के लिए कह रहे हैं। और इसी तरह यह कविता यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।